हेलो एवरीवन वेलकम टू मेडिकल पॉलीमेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी एक्टिविटी स्केलेटल मसल पे कैसे शो करता है वो दो सेट ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन दोनों न्यूरॉन्स की मदद से वो अपनी एक्टिविटी स्केलेटल मसल पे शो करता है इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं डिफ्रेंस बिटवीन यू एम एन एंड एल एम एन सो फॉर क्विक रिव्यू अपर मोटर न्यूरोस ओरिजिनेट होते हैं सेरेबर कॉर्टेक्स से और स्पाइनल कॉर्ड में टर्मिनेट होते हैं ऑरेंज कलर से मैंने कोर्स बताया है ये अपर मोटर न्यूरोस का कोर्स है अपर मोटर न्यूरोस कंट्रोल करते हैं लोअर मोटर न्यूरोस को वो लोअर मोटर न्यूरोस ओरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और एंड होते हैं मसल में जहाँ पर वो फाइनली अपनी कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन वाली प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं सो so, अपर मोटर न्यूरॉन्स या लोअर मोटर न्यूरॉन्स में अगर लीजन होता है वो डैमेज होते हैं तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन आता है तो एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अमायोट्रोफिकल स्क्लेरोसिस इन सभी की डिटेलिंग मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी सिंगल अगर यू एम एन में लीजन है मतलब यहाँ साइबर कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स थे वो डैमेज हुए हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स के कोर्स के न्यूरॉन्स अगर डैमेज हुए हैं तो जो डिजीज़ होगी उसका नाम है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर लीजन हो जाता है यहाँ के न्यूरॉन्स अगर डैमेज होते हैं तो पोलियो माइलाइटिस सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो पोलियो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स की जो कि कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे थे और स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहे थे तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में अगर लीजन होता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं कॉर्टिको स्पाइनल मतलब कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलता है हाइपर एक्टिव टेंडन रिफ्लेक्स इसका मतलब ये है कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो एग्जागरेटेड फॉर्म में हमें मिलते हैं ओके एंड सेकेंड इज स्पास्टिसिटी तो जो स्पास्टिसिटी है ये हॉलमार्क है अपर मोटर न्यूरोन्स का स्पास्टिसिटी मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ मसल जिसमें मसल टेंशन जो है मसल टेंशन वो इंक्रीज मिलती, मिलती है वो परसिस्टेंट इंक्रीज मिलती है स्पास्टिसिटी में ओके कॉर्टिको बल्बर में अगर रेशन है कॉर्टिको कॉर्टेक्स बल्बर सेनिबिलम ओके तो अगर इनमें लीजन है तो हमें दिस आथरिया देखने को मिलता है मतलब डिफ़िकल्ट स्पीच और एग्जाग्रेटेड इमोशंस मतलब इमोशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं सेकेंड वन इज लोअर मोटर न्यूरोस में अगर ल्यूशंस मिलते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं लोअर मोटर न्यूरोन्स मतलब यहाँ पे अगर कोई लीजन है ओके यहाँ पर एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई लीजन आ जाता है तो लोअर मोटर न्यूरोस के डिसडर के सिम्टम्स देखते हैं सो so, सबसे पहले लोअर मोटर न्यूरॉन्स में हमें देखने को मिलती है ए ट्रॉफी ए ट्रॉफी मतलब कोई भी मसल का मास कम हो जाना जो पोलियो में मिलता है ओके okay? जैसे ये लेग है तो इसका साइज एकदम ही पतला हो जाता है उसकी मसल वास्टिंग देखने को मिलती है तो ये सब जो है इसे हम ए ट्रॉफी कहते हैं सेकेंड वन इज फेसिकुलेशन फेसिकुलेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्विचिंग स्विविंग सैलोइंग और फेस और टंग डिसर ये सभी लोअर मोटर न्यूरोस के ल्यूश में आ जाते हैं सो लेट्स मूव टू द वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरो एंड लोअर मोटर न्यूरो अगर अपर मोटर न्यूरोन में ल्यूशन आता है तो पावर डिक्रीज हो जाती है लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरोन में ल्यूशन आता है तो पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है ओके सो मार्क्ड वीकनेस ऑफ पावर इज इन लोअर मोटर न्यूरो सेकेंड इज क्लोनस सो क्लोनस इज रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट ठीक है जैसे एंकल एंकल क्लोनस होता है ऐसे मूवमेंट्स जो हो रहा है ऑटोमेटिकली वो हमें प्रेजेंट मिलता है अपर मोटर न्यूरॉन लिश में क्लोनोस प्रेजेंट एंड इन लोअर मोटर न्यूरो क्लोनोज एबसेंट थर्ड वन इज वीकनेस सो वीकनेस अपर मोटर न्यूरो लीजन में मिलती है लेकिन इसमें पूरा मसल ग्रुप इन्वॉल्व है लाइक हैमस्ट्रिंग मसल पूरी इन्वॉल्व है या एबडक्टर मसल सारी सारी मसल्स के ग्रुप इन्वॉल्व है तो Uh, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन में हमें मसल ग्रुप वीकनेस मिलती है मसल ग्रुप वीकनेस इज प्रेजेंट बट अगर हम बात करें लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तो इसमें इंडिविजुअल मसल की वीकनेस हमें देखने को मिलती है लाइक बाइसेप्स मसल की वीकनेस या ट्राइसेप्स मसल तो इंडिविजुअल मसल की अगर वीकनेस मिले तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है फोर्थ अगर बात करें टोन की जो कि हॉलमार्क है अपर मोटर न्यूरोन का तो इसमें हाइपर टोनी सिटी मिलती है हाइपर टोनी सिटी मतलब मतलब मसल की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलती है जिसे हम सिटी भी कहते हैं मसल टेंशन इसमें इंक्रीज़ होता है सो हाइपर टोनी सिटी वही अगर हम बात करें लोअर मोटर न्यूरो की तो हमें मिलती है हाइपो टोनी सिटी मीन्स यहाँ पर मसल्स कैसी हो जाती है फ्लैसिड हो जाती है मतलब यहाँ की जो मसल्स इन्वॉल्व रहेगी ये बहुत ज़्यादा फ्लैसिड या बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कुछ भी टोन नहीं रहेगी इसमें बहुत ज़्यादा वीक हमें नज़र आएगी बेबिन्स के साइन की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव मिलता है अपर मोटर न्यूरोस में और नेगेटिव मिलता है लोअर मोटर न्यूरो लिशंस में नेक्स्ट पॉइंट इज मसल वास्टिंग तो हमें पता है पोलियो की कंडीशन जो कि लोअर मोटर न्यूरो से मिल रही थी तो मसल बहुत ज़्यादा एट्रोफीड हो जाती है तो लोअर मोटर न्यूरोस में मसल वास्टिंग बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस रहती है बहुत ज़्यादा रहती है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें अपर मोटर न्यूरॉन्स की तो इसमें भी रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा मार्क्ड नहीं रहती है ओके okay? नेक्स्ट अगर बात करें रिफ्लेक्सेस की तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स अपर मोटर न्यूरॉन लिशन में लॉस हो जाते हैं और डीप रिफ्लेक्सेस तो एक्जागिरेटेड हो जाते हैं इसलिए पेविंस के साइन हमें पॉजिटिव मिल रहा था सो वो डीप डी आर फाउंड इन अपर मोटर न्यूरोन लिशन अगर हम बात करें लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तो इसमें सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस भी नहीं प्रेजेंट रहते ना ही डीप रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट रहता है सो क्विक रिव्यू अपर मोटर न्यूरॉन्स में पावर कम हो जाती है लोअर में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है क्लोनस जो रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट थे वो अपर मोटर न्यूरोस में प्रेजेंट थे एलिमेंट नहीं थे वीकनेस तो मसल ग्रुप वीकनेस इसमें देखने को मिलती है और इसमें इंडिविजुअल मसल की वीकनेस देखने को मिलती है टोनीसिटी तो इसमें हाइपर टोनीसिटी मिलती है ये है क्लैप्स नाइफ रिजिडिटी और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में फ्लैसिडिटी हाइपोटोनीसिटी मिलती है बेबिस् के साइन इसमें पॉजिटिव मिलता है और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में नेगेटिव मिलता है मसल वाशिंग इसमें कम होती है एलेमेंट में बहुत ज़्यादा मसल वाशिंग होती है रिफ्लेक्सेस में इसके डीप टेंडेड रिफ्लेक्सेस एग्जागिरेटेड होते हैं बाकी सभी चीज़ें लॉस्ट है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरोन्स लीजन्स के बारे में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था हमने आज देखा अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें आई एम प्राची एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग